फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर माहौल डगमगाने लगा है। एक और बीजेपी नेता की हत्या इस गहरी साजिश की ओर साफ तौर पर इशारा करता है। महाराष्ट्र के जलगांव में बीजेपी पार्षद सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। दूसरी तरफ इस वारदात के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 3 बंदूकधारियों ने 55 साल के बीजेपी पार्षद रविंद्र खरात और उनके परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि खरात और उनके परिवार के अन्य सदस्य रविवार रात को अपने घर में मौजूद थे, तभी अचानक बंदूकधारियों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले के बारे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि हमलावरों के पास देसी पिस्तौल और चाकू था। उन्होंने खरात के घर में घुसकर सारे परिवार को गोलियों से भून डाला। आगे बताया कि वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को फिलहाल बरामद कर लिया गया है और ये भी बताया है कि हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए, लेकिन वो कहीं भागे नहीं बल्कि सीधा पुलिस के पास जाकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हमले में खरात के अलावा उनके भाई सुनील, बेटा प्रेम, सागर और रोहित, इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आरोपियों से पूछताछ अभी भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई कि ये हमला क्यों किया गया। जैसे ही इस हमले के कारण का पता चलेगा, मीडिया को उस बारे में इत्तला कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। नमस्कार।